Now let us come to next topic of महा रिविजन कोर्स लिक्विड सोल्यूशंस। तो हमारे पास क्वेश्चन हमने जो लिए हैं यहाँ पे थोड़े ट्रिकी लिए हैं या जो कॉन्सेप्ट हमसे जनरली छूट जाते हैं, मैंने उस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम आई के बारे में थोड़ा देखेंगे। वैसे तो मैं आई में एन जो लिखता हूँ डायरेक्टली देख लूंगा, दो ए है और तीन बी, एन फाइव आ जाएगा, पर फिर भी हम लोग आई एन को लिखना सीख लेते हैं। सबसे पहले कोई मॉलिक्यूल जो है ए टू बी थ्री जो है जब डिसोसिएट होगा तो ए पे कितना चार्ज आ जाएगा प्लस थ्री और बी पे कितना चार्ज आ जाएगा टू माइनस, पहले कैटायन लिखते हैं बाद में एनायन। ये थ्री लग जाएगा या टू लग जाएगा। एन विल बी व्हाट, एन विल बी सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट दैट इज फाइव, एन फाइव हो जाएगा। अब हम हमसे बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है, तो डेल्टा टीबी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा टीबी क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम, मोलालिटी, ठीक है। सो डेल्टा टीबी में हम कहेंगे यार सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है एलिवेशन होगा, यानी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें कुछ भी टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे, टेम्परेचर 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आई की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा और के बी की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे इंटू मोलालिटी। हम नेक्स्ट स्क्रीन पे लेते हैं, यही ले लेते हैं। चलो टी बी डैश हमारे पास क्या होगा, 373 प्लस 1 माइनस 0.6 60% आयनाइज हुआ प्लस एन अल्फा, एन कितना है हमारे पास 5 अल्फा, अल्फा कितना है 0.6, 5 इंटू 0.6 इंटू के बी 0.52 इंटू मोलालिटी हमारे पास कितनी दी है 1, तो ये आ जाएगा 0.5 यानी आएगा 5 6 30 3 + 1 4 में से 0.6 गए, कितना बचा 3.4 का आधा कर लें तो 1.7 के आसपास आएगा। तो 373 मैं 1.7 ऐड करेंगे 374.7 केल्विन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी आंसर हमारे पास डी आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिटरमाइंड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जब भी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हुआ इसका मतलब हमारे पास ये मॉलिक्यूल पानी में गया, ठीक है। अब पानी में जब भी ये मॉलिक्यूल गया, देखो जनरली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास CaCl2 टूटता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है वो ब्रेक होगा पानी में जाने पे, इट माइट बी पॉसिबल 100% ब्रेक हो या कुछ परसेंटेज में ब्रेक हो, जितना भी ये ब्रेक होगा, यानी हमारे पास जब भी कोई मॉलिक्यूल ब्रेक होगा टूटेगा तो उसका मोलर मास कम हो जाएगा। हम इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हमारे पास लेट्स से दो हमारे पास यू कैन से दो चौक है, लेट्स से दो चौक है, ये 10 ग्राम का है पीस और ये भी 10 ग्राम का है। अब हम अच्छे से जानते हैं एवरेज मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, मोलर मास एवरेज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 10 इसका वजन प्लस का वजन अपॉन टोटल नंबर। अगर मैंने कहा इन दोनों में से एक चौक को मैंने डिसोसिएट कर दिया, एक चौक को अगर मैंने डिसोसिएट कर दिया इंटू टू पार्ट्स, वन दिस मच एंड वन दिस मच, एक चौक के दो टुकड़े कर दिए, तो ये हमारे पास 10 ग्राम रहा, ये तो 10 ग्राम रहा, लेट से ये 4 ग्राम हो गया एंड दिस इज 6 ग्राम। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो एवरेज मोलर मास इसका कितना आएगा, 10 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले हमारे पास कितना आया था 10, अब कितना आएगा 20/3, तो मोलर मास कम हो गया, यानी हमारे पास हुआ क्या, मॉलिक्यूल को जब हमने ब्रेक किया तो मॉलिक्यूल टूट गए और मॉलिक्यूल टूटने के बाद इसका एवरेज मोलर मास जो है रिड्यूस हो गया। यानी अगर कोई भी आयनिक सब्सटेंस है जनरली जो टूटता है, कितना भी हो, इनसॉल्युबल भी हो, तो कुछ हद तक तो टूटेगा ही, तो आयनिक कंपाउंड्स जो है या सॉल्ट्स जो है 100% वैसे तो टूटते हैं हमें पता है, तो सॉल्ट्स जब 100% टूटेंगे तो हमारे पास उसका मोलर मास हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी लेस देन जितना आना चाहिए, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 2, क्लोरीन है 71 प्लस 40 111 आना 111 चाहिए, पर इससे कम आएगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। A liquid mixture having composition corresponding to point Z. This is point Z. Getting my point?
is shown in figure subject to distillation at constant pressure. We know that temperature का graph है, याद रखना ये vapor pressure का graph नहीं है. तो इस point पे हमारे पास इसे कहते हैं हम maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope. तो maximum boiling azeotrope हमारे पास जो है इसका vapor pressure क्या होगा? वेपर प्रेशर विल बी मिनिमम. जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम उसका वेपर प्रेशर मिनिमम. कम मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बॉइल करने के लिए. जैसे हनी है, उसका कम वेपराइजेशन होता है तो हनी में ज्यादा टेम्परेचर देके उसे बॉइल करना पड़ता है. जबकि नॉर्मल वाटर में हम देखें कंपैरेटिवली ज्यादा हनी के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा वेपराइजेशन होता है तो थोड़ा सा बॉइल करने पर बॉइल हो जाता है. तो जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम और उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम. ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट पूछ रहा है हमसे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. तो हमारे पास टेम्परेचर से मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ है ये एजियोट्रॉप, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये जो पॉइंट जेड है ये कहता है कहलाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं. कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि जो कंपोजिशन हमारे पास लिक्विड में रहेगा वही कंपोजिशन हमारे पास वेपर्स में रहेगा. यानी यहां पे हमारे पास जो कंपोजिशन रहेगा यानी वाई ए, ठीक है, एंड वाई बी की यहां वैल्यू हम लिखते थे और यहां हम लिक्विड में लिखते थे इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी, यहां पे सॉरी एक्स बी. तो हमारे पास कौन बराबर होगा, देयरफॉर वाई ए इक्वल्स टू एक्स ए रहेगा और वाई बी इक्वल्स टू एक्स बी रहेगा. यानी हमारे पास क्या होगा, ये जितना वेपराइज जिस रेशियो में लिक्विड में उसी रेशियो में वेपराइज रहेगा या उसी रेशियो में वेपर्स की फॉर्म में रहेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. नाउ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आप डिस्टिल तो कर सकते हैं पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू या डिस्टिलेशन के थ्रू प्यूरिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इसे ठंडा करेंगे तो वही सेम कंपोजिशन आपको मिलेगा तो डिफर्स नहीं होगा, कंपोजिशन डिफर नहीं होगा, ये गलत है. द बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन चेंजिंग, नहीं, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता अंटिल अनलेस प्रेशर चेंज नहीं किया. द मिक्सचर हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर देन फॉर एनी अदर कंपोजिशन. इस मिक्सचर का हाईएस्ट वेपर प्रेशर नहीं लोवेस्ट आएगा, यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा लोवेस्ट आएगा नॉट हाईएस्ट, ये भी गलत हो गया. कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप ऑल्टर्स ऑन चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. हमारे पास क्या होता है, अगर मैंने कोई एजियो इसी डायग्राम में भी बना सकता हूं, अगर मैंने प्रेशर डिफर किया, प्रेशर डिफर किया तो मेरे पास जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आएगा इसका कंपोजिशन जो है वो डिफर हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास जो कहानी है वो बदल जाएगी. प्रेशर चेंज करने पे, इसका प्रेशर मान लो ये P1 है, इसका प्रेशर मान लो P2 है, प्रेशर चेंज करने पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की कंपोजिशन बदल जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इज 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl जो है 100 ग्राम वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व होता है. सिस्टम्स 1, 2 एंड 3 कंटेन 20, 18 एंड 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 50 ग्राम. ओके, तो हमारे पास क्या बोलना चाह रहा है कि सबसे पहले तो उसने इंफॉर्मेशन दी है 100 ग्राम हमारे पास अगर हमने वाटर लिया है तो इसमें मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl पानी में घुल सकता है, ये बोल रहा है. अब उसने कहा 50 ग्राम के हिसाब से उसने क्वेश्चन में डेटा दिया है, 50 ग्राम H2O जो है उसमें कितना घुलेगा, 18 ग्राम, 18 ग्राम H2O घुलेगा, हाँ या ना, NaCl सॉरी 50 ग्राम H2O में 18 ग्राम मैक्सिमम घुल सकता है. ये मैक्सिमम जो अमाउंट है ये हमारे पास घुल जाएगा, तो इससे ज्यादा नहीं घुलेगा. यानी ये 20 ग्राम है तो 20 ग्राम, देयरफॉर 20 ग्राम हमें दिया है, 20 ग्राम दिया है, 18 ग्राम दिया है और 15 ग्राम दिया है. तो हमें क्लियर है आउट ऑफ दिस 20 ग्राम, कलर चेंज कर लेते हैं यहां पे, डिसॉल्व हो जाएगा और 2 ग्राम जो है वो
नीचे बैठ जाएगा, यानी सॉल्यूट फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूट फॉर्म में रहेगा, यानी एक्चुअल में डिजोल्व कितना हुआ 18 ग्राम। तो ये भी 18 ग्राम डिजोल्व हुआ, ये भी 18 ग्राम डिजोल्व हुआ, तो इन दोनों के केस में वेपर प्रेशर हमारे पास क्या रहेगा, वेपर प्रेशर सेम रहेगा, यानी सी और डी में से आंसर होना चाहिए। अब जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे, हम ऐसा लिख लेते हैं, सॉल्यूट अगर हम ज्यादा डिजोल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस एरिया को कवर कर लेते हैं या सरफेस को कवर कर लेते हैं, इसलिए कम वेपराइजेशन होता है। ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वेपराइजेशन को कम कर देंगे क्योंकि इन्होंने कुछ सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना वेपर प्रेशर हमारे पास कम होगा, यानी यहाँ पे कम सॉल्यूट है, कम सॉल्यूट है 15 ग्राम में, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी मोर वेपर प्रेशर, मोर वेपर प्रेशर बिकॉज लेस सॉल्यूट, तो थर्ड का वेपर प्रेशर 1 और 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ लिक्विड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में जब भी दे हमें केल्विन में करना है, ये हमें याद रखना है। अब 2 atm प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर आपको याद है तो हम पार्शियल प्रेशर, जैसे याद करो रटने का तरीका क्या है, जैसे आरिनियस में हम क्या लिखते थे, k इक्वल्स टू a रिस्पा माइनस ये अपॉन rt, अगर ये हमें कहानी याद है तो सिमिलर फैशन में हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू e रेस पर माइनस ऑफ डेल्टा h अपॉन rt, ये हमें याद रखना है। जैसा हमने यहां लिखा है वैसे ही हमने ये लिखा है। और याद करो एक क्वेश्चन आता था d ऑफ lnp by dt इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो क्वेश्चन आता था इसका हम लोग पूछ, इसका हमारे पास आंसर क्या होगा, जब e इधर आएगा lnp हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो इसका आंसर हमारे पास आता था डेल्टा h अपॉन rt स्क्वायर। ठीक, तो ये हम करते थे d ऑफ एल एन पी बाई डी टी हमने किया है, माइनस वन अपॉन टी का हमने अगर डिफरेंशिएशन किया t के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, प्लस 1/t स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से क्या फॉर्मूला आया एल एन पी फाइनल अपॉन टी इनिशियल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 नहीं आएगा क्योंकि एल एन लिया है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी पार्शियल प्रेशर हम चेंज करेंगे तो टेम्परेचर पे हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा व्हेन डेल्टा एच इज गिवन। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर लिक्विड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल का मतलब है शुरू में हमारे पास पार्शियल प्रेशर कितना दिया है एल एन 1 atm, बाद में प्रेशर कितना कर दिया 2, डेल्टा एच की वैल्यू अब हम रखेंगे डेल्टा एच इज 200, डेल्टा एच की वैल्यू रख देंगे, और टेम्परेचर इनिशियल हमारे पास -173 है, पहले तो डेल्टा एच की वैल्यू रख दो कैलोरीज में, आर भी कैलोरी में होगा, 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, टी फाइनल हमें पता है टी इनिशियल, अब देखो हमें पता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन, अब हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दिया है -173, तो -173 प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन, यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 100 अपॉन टी इनिशियल और टी फाइनल, टी इनिशियल इज 100, सॉल्व करेंगे 2 गया 100 गया, ये गया और ये 2 गया, ठीक है एल एन पी 2 ऊपर आएगा, ठीक है एक हमने यहाँ गड़बड़ कर दी, पी 2 ऊपर आएगा क्योंकि फाइनल प्रेशर शायद 2 है, राइट, फाइनल प्रेशर 2 है, इनिशियल प्रेशर हमारे पास क्या है 1 है, तो ठीक है LN2 0.693 होता है, 0.7 उसने दिया हुआ है, ठीक है T फाइनल हमें निकालना है, तो T फाइनल -100 और इस नीचे वाले T फाइनल को इधर ले आए, ठीक है अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, देखो T फाइनल इधर से इधर आया 0.3 T फाइनल, तो T फाइनल इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.3, तो कितना आ जाएगा 1000/3 आ जाएगा 333 केल्विन, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में करूं तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा 273 माइनस कर दो, तो यहां पे हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में 273 अगर हमने माइनस किया 333 में से, तो ऑप्शन चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है तो 273 अगर हमने माइनस किया
तो हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड बच जाएगा फाइनल टेम्परेचर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन कंटेन्स लिक्विड वॉटर इन इक्विलिब्रियम विद वॉटर वेपर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। यानी हमारे पास क्या हुआ, एक कंटेनर है, लेट से कोई कंटेनर है, उसमें पिस्टन लगा दिया है, या जैसे भी उसने कहा उसने पिस्टन लगा दिया है, लेट से देखो वेपर प्रेशर हमारे पास पर, अगर हम पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे तो वेपर प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं पानी के लिए कहूं तो हमारे पास पानी के लिए हम क्या कह सकते हैं, H2O लिक्विड गिव्स H2O वेपर्स, यानी गैस कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस सॉलिड की कंसंट्रेशन, लिक्विड या सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉलिड का हम मान लेते हैं। तो केपी इज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड स्टोइकोमेट्री इफ यू रिमेंबर। तो केपी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो पी जो है इसे हम वेपर प्रेशर कह देते हैं, पी नॉट इसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। यानी इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम जब हमारे पास आ जाएगा तब हमारे पास यहां पे जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यानी वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे हमें बोला जाता है। तो इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन्ड है, इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन्ड है, आप पिस्टन को ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा। वेपर प्रेशर उस मूवमेंट पे हमारे पास पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा, पर जब वापस से इक्विलिब्रियम, देखो मान लो पिस्टन नीचे या ऊपर लाए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तब बात अलग है, पर अगर मैंने पिस्टन को वापस से ऊपर ले जाने के बाद, मान लो इस पिस्टन को ऊपर ले जाके छोड़ दिया, तो एक बार इक्विलिब्रियम आया, क्या एक बार इक्विलिब्रियम अगर हमारे पास डेवलप हो गया तो वेपर प्रेशर इज कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर। तो चाहे स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर हटा लो, फिर नया इक्विलिब्रियम आएगा, फिर वेपर प्रेशर वही होगा। चाहे पिस्टन नीचे ले जाओ, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, पर वेपर प्रेशर वापस से इक्विलिब्रियम आएगा तब वापस से वही हो जाएगा। रिमूविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर को रिमूव करने से इक्विलिब्रियम पे हमारे पास यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिजॉल्विंग सम सॉल्ट, सॉल्ट डिजॉल्व करने पर हमने क्या देखा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम मिला देंगे, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द वेपर प्रेशर। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट, हमसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 100 ml 0.1 m NaCl, सेकंड पार्ट में 100 ml प्योर H2O, यहां पे प्योर H2O और यहां NaCl है। अब NaCl उड़ के यहां नहीं आता, ये नॉन वॉलेटाइल है। क्या है NaCl, नॉन वॉलेटाइल है, दिस इज नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल है, अब क्या हुआ, यहां पे मोर वेपर्स, मोर वेपराइजेशन, बिकॉज यहां पे हमारे पास नॉर्मल वाटर है, यहां पे आएगा लेस वेपराइजेशन, लेस वेपराइजेशन, लेस वेपराइजेशन क्यों होगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां हमने क्या ऑब्जर्व करना है, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे, लोअरिंग, सॉरी ING, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम ऑब्जर्व करेंगे, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाए। यहाँ वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होगा, लेस वेपराइजेशन होगा, यानी ज्यादा वेपर यहाँ बनेंगे और ये ऊपर हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कुछ वेपर्स यहाँ पे जो ज्यादा बने, एक्स्ट्रा वेपर्स बने यहाँ, और यहाँ लेस वेपर है, ऑटोमेटिकली वेपर यहाँ जाएंगे, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो धीरे धीरे पूरे के पूरा, पूरा का पूरा पानी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कंटेनर वन एंड टू में हमारे पास ये 200 ml हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, आंसर विल बी बी। गेटिंग माय पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज्यादा वेपराइज होगा, ज्यादा वेपर बनेंगे, ज्यादा वेपर हवा में, तो वेपर सूत्र उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ कम डेंसिटी से हायर डेंसिटी की तरफ जाएंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम मेंटेन है उसमें आते जाएंगे, एक्स्ट्रा आते जाएंगे, और एक्स्ट्रा आने की वजह से पूरा उड़ के कुछ देर बाद इसमें आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन टू डिफरेंट वेसल्स एक्स एंड वाई कंटेनिंग वाटर एट सेम टेम्परेचर द वेकेंट स्पेस लेफ्ट ओवर द सरफेस ऑफ H2O इज वी एंड 3V, व्हाट इज द वेट रेशियो ऑफ वेपर्स इन टू वेसल्स। अब देखो प्रेशर के बारे में कुछ कहानी है तो हमें लेना पड़ेगा कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो हम क्या कह सकते हैं यार एट कॉन्स्टेंट, जब हमारे पास कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो हम V इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, देयरफॉर हम क्या कह देंगे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी V इनिशियल अपॉन V फाइनल इज इक्वल्स टू N इनिशियल अपॉन N फाइनल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, तो N की जगह हम वेट अपॉन मोलर मास लिख देंगे। अब पहले में वॉल्यूम V है और बाद में वॉल्यूम 3V है, तो पहले का वॉल्यूम हमने क्या लिख दिया V, दूसरे का वॉल्यूम हमने लिख दिया 3V, नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या लिखा, देखो वेट अपॉन मोलर मास, पहले का वजन W अपॉन मोलर मास अपॉन दूसरे का वजन W2 अपॉन मोलर मास, यानी W1 अपॉन W2 हमारे पास कितना आ जाएगा, W1 अपॉन W2 विल बी इक्वल्स टू 1/3। सिंपल है, मोलर मास सेम रहेगा, सेम सब्सटेंस से कट जाएगा, तो W1 अपॉन W2 विल बी इक्वल्स टू 1/3। गेटिंग माय पॉइंट, आंसर आ जाएगा A। तो व्हाट इज द वेट रेशियो, वेट रेशियो वेपर्स का हमने निकाल दिया दोनों वेसल्स में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है पर अटक जाते हैं कई बार। A sample of acetone undergoes 40% dimerization. 40% dimerization हुआ, मोल फ्रैक्शन निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब ऐसे मान लेते हैं यार हमारे पास जो है 100 मान लो या 10 मान लो, जैसा तुम मान लो, तो हमारे पास 10 एसीटोन के मॉलिक्यूल्स मान लो, एसीटोन के हम कितने माने 10 मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब डाइमराइजेशन का मतलब है 40%, यानी 10 में से 40% का मतलब क्या है, आउट ऑफ 10 चार मॉलिक्यूल चले गए, आउट ऑफ 10 चार मॉलिक्यूल चल गए, यानी कितने बचे रिमेनिंग, 10-4 रिमेनिंग है, ये तो हमारे पास एसीटोन ही है, ये हमारे पास एसीटोन है। अब यहां पे हमारे पास जो डाइमर बना उसमें अगर चार मॉलिक्यूल है, डाइमर का मतलब है दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे, तो चार मॉलिक्यूल हैं डाइमर में, क्या होगा अगर इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं तो इसके एक रह जाएंगे। ठीक है, तो इसके चार मॉलिक्यूल जाएंगे तो देयरफॉर इसके कितने बनेंगे, दो मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे, तो डाइमराइज हुआ, तो ये कितना बचा, ये तो 6 हुआ। वापस से सुन लो एक बार, 40% चला गया, तो 10 में से 40% डाइमर बनने चले गए। डाइमराइजेशन का मतलब है हमारे पास अगर कोई कोई एटम है ए, तो ए किसमें चेंज हो जाएगा, A2 में, यानी जितना ए है उसका आधा A2 बनेगा, तो ये 4 गया तो ये कितना बनेगा 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हमारे पास ये जितने भी मॉलिक्यूल्स चले गए, ये 2 गया तो ये कितना बना 1, यानी 4 गया तो ये कितना बना 2, तो ये 6 है और ये कितना है 2, देयरफॉर हमारे पास डाइमर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइमर, डाइमर का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइमर मैं कैसे निकालूंगा, डाइमर के मोल्स हम कितने लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 6+2 दैट इज 8, 2/8 यानी 1/4 यानी 0.25 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। गेटिंग माय पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल सॉल्यूशंस विल शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है हमें देखना है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं डेल्टा टीबी देख लेते हैं, एलिवेशन किसमें सबसे ज्यादा होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम, तो जिसकी मोलारिटी इंटू आई ज्यादा होगा। ठीक है, अब मैं ये समझ लेता हूं कि यार मोलारिटी इंटू आई जिसका ज्यादा होगा या जिसमें ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इवन दो यहाँ मोलालिटी दी है पर हम अज्यूम कर लेते हैं मोलालिटी मोलारिटी के बराबर और हम इसे रफ आइडिया लेके सॉल्व करते हैं। तो 0.5 mNaCl शोविंग 50% डिसोसिएशन, तो ए ऑप्शन अगर हम देखें तो 0.5
इनटू एनएसीएल 50% डिसोसिएशन कर रहा है, तो 1 माइनस अल्फा माइनस एन, एन कितना होगा 2 एनएसीएल के लिए, अल्फा कितना होगा 0.5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 और 2 माइनस 0.5 कितना हुआ 1.5 इंटू 0.5 यह आ जाएगा 0.75। तो थोड़ा रफ आइडिया ले रहे हैं बी, बी में भी हम ये देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, बी में हम क्या देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन इंटू या मोलारिटी इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल 100% डिसोसिएट हो गए, दो ये रहे एक ये रहे और एक ये रहा, 1.2, ये तो हमारे पास डिसोसिएट नहीं होगा, आयन नहीं है, AgCl इनसॉल्युबल रहता है पानी में, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बी। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करेगा, जिसका मोलारिटी इनटू आई सबसे ज्यादा होगा, वो हमने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन वेयर 1 ग्राम ऑफ इट डाइमराइजेस अप टू 75% इन 100 ग्राम H2O शोविंग अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जब इसे सॉल्व करते हैं उन्हें समझ में तो सब कुछ आता है पर वो गलत कर देते हैं। अब हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो ये गलत कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, ये ऐसे गलत कैसे करेंगे देखना। हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट जीरो है, जीरो से कितना लोअर हुआ 0.093 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज देखूं या केल्विन में चेंज देखूं सेम रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ डाइमराइजेस, सुना है गलत कर रहे हैं हम, गलत कैसे देखना, 1 माइनस अल्फा 0.75 प्लस एन अल्फा, एन कितना है, हमारे पास कोई सॉल्यूट है जो हमारे पास डिसोसिएट हो रहा है और डाइमराइज हो रहा है, एन टू है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा नहीं लिखेंगे यहाँ, डाइमराइजेशन के लिए अल्फा बाय एन, अल्फा कितना है 0.75, ये वैसे हम गलत कर रहे हैं देखना, क्यों गलत करें इसका रीजन मैं बताऊंगा। के एफ भी तुमने लिख दिया होगा 1.86, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या अगर ग्राम में लेना है इंटू 1000 अपॉन ग्राम में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, n सॉल्यूट की जगह हम लिख देंगे वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या ग्राम में लिखना है तो ग्राम इंटू पर 1000, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 1 है, मोलर मास हमसे पूछा है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है यानी 0.1 केजी। अब जिन जिन बच्चों ने ये सॉल्व करके निकाला है ऑलवेज रिमेम्बर, यहां पे हमारे पास जो मास आया है, जो मोलर मास आया है, ये हमारे पास रिएक्टेंट यानी सॉल्यूट का मोलर मास है, सॉल्यूट मोलर मास, इट इज नॉट, यहां लिख देता हूं, इट इज नॉट एन एवरेज मोलर मास, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां एवरेज मोलर मास क्यों नहीं आया इसका रीजन समझते हैं। देखो क्या हुआ, मान लो आपके पास कोई भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप किसी भी सब्सटेंस को ले सकते हैं, मान लो NaOH लिया, NaOH जब टूटेगा, मान लो 70% टूटा, 90% टूटा, whatever, जब NaOH टूटेगा तो इसका मोलर मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर में मान लो शुरू में इसके 10 मोल्स थे, ये 0 है, ये 0 है, जब इसके 10 मोल्स में से इसके 2 मोल्स गए तो इसके 2 मोल्स बने, इसके 2 मोल्स बने, इसके 8 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं, यानी एवरेज मोलर मास जो होता है उसका मतलब है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो एवरेज मोलर मास के बराबर है वो हम निकालते हैं, यानी इसके इसका मास इंटू 2 प्लस इसका मास इंटू 2 प्लस इसका मास इंटू 8, तब जाके एवरेज मोलर मास आएगा डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 डिवाइडेड बाय 12, तो एवरेज मोलर मास आएगा, यानी एवरेज मोलर मास का मतलब है जो रिएक्टेंट बचा प्लस जो प्रोडक्ट बना उसका मोलर मास। अब हमने यहां गलती क्या की, ये गलत क्यों है, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि यहां पे जो ये मोलर मास हमने लिखा है ये एवरेज नहीं है, क्योंकि आई ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर दिया है, आई इज ऑलरेडी इंक्लूडेड,
यानी अगर हम फॉर्मूले पे ध्यान दें, देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और तब भी ना आए तो मुझे फोन कर लेना। देखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू, हम क्या लिखते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास लिखते थे, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये तो हम लिखते थे। अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला था, इसमें मोलर मास सॉल्यूट कैसे हटता है, देखो अगर मैं आई की वैल्यू लिखूं, आई वी वी शुड नो दैट मोलर मास में उल्टा होता है, नंबर में तो ऊपर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल, मोलर मास में होता है ऊपर, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, यानी मेरे पास क्या होगा, आई बराबर, और मैं ऐसे लिख सकता हूं, थ्योरेटिकल का मतलब है सॉल्यूट का मोलर मास जो डिसोसिएट नहीं हुआ है, ऑब्जर्व मोलर मास का मतलब डिसोसिएशन के बाद का एवरेज मोलर मास। तो मैं आई की जब वैल्यू डालूंगा, डेल्टा टी एफ फिजिकल्स टू आई कितना डालूंगा, मोलर मास सॉल्यूट का, ध्यान से सुनना, डिवाइडेड बाय मोलर मास एवरेज इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट, ये नीचे आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। ठीक, ये कैंसिल जब हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू जब डाल दोगे आपके पास, तो आई की वैल्यू डालने के बाद हमारे पास मोलर मास कौन सा आया, एवरेज मोलर मास आया। दिस वी नीड टू फाइंड आउट, हमें ये नहीं निकालना है, ये निकाल दिया गई भैंस पानी में, और भैंस पे कौन बैठे हुए थे, तुम। हाँ, डेल्टा टी एफ कितना है, 0.093, ध्यान से सुनना, तो हम सॉल्व करते हैं इसे, डेल्टा टी एफ इजिकल्स टू 0.093, जीरो माइनस करेंगे इसमें से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे डिफरेंस को केल्विन में लिखो या डिफरेंस को किस में लिखो, डिग्री सेंटीग्रेड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम दिया है, मोलर मास हमें निकालना है, दिस इज एवरेज मोलर मास, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दिया है, 100 ग्राम, यानी आई निकालने की हमें यहां कोई जरूरत नहीं है, ग्राम को किलोग्राम में कर दिया, 0.1 kg, और वेट हमने लिख दिया, क्लियर है, वेट हमने यहां पे लिख दिया। अब के एफ की वैल्यू भी तो हम लिखना है, या के एफ मैं भूल गया हूँ, के एफ ठीक है, इंटू के एफ की वैल्यू कितनी है जरा देखें, 1.86, दिस इज 1.86। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स जाएगा और 200 हो जाएगा, तो एवरेज मोलर मास हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 ग्राम पर मोल। वापस से ध्यान से सुनना, मैंने आई की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये आई की वैल्यू लिखने के बाद जो हमारे पास इधर के एफ था, वो के एफ तो इधर लिख दिया, बाकी का मैंने मोलालिटी वाला पार्ट लिखने के बाद सॉल्यूट का मोलर मास कट गया, तो मुझे एवरेज मोलर मास आ गया। कुल मिला के बिना आई के फॉर्मूला लिख, कुल मिला के बिना आई के फॉर्मूला लिखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे गलत कर देते हैं अगर कई बार आता है, तो आंसर कितना होगा, ए। बेंजीन एंड टॉलिन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 100 torr व्हाइल दैट ऑफ प्योर टॉलिन इज 50 torr, इफ मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोल फ्रैक्शन भी हमारे पास पता है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले पीटी निकालेंगे, पीटी बराबर पीए नॉट यानी पीबी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी टॉलिन नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। तो पीटी क्यों निकालेंगे, वाई जब भी निकालना है पीटी निकालेंगे, तो पीबी नॉट हमारे पास कितना दिया है, 100, और बेंजीन का 1/3, तो पीटी बराबर 100 इंटू बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 1/3 दिया है, इसका 50 दिया है, और इसका मोल फ्रैक्शन 1/3 है, तो इसका जाहिर सी बात है 2/3 हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 100 प्लस 100 200/3 हमारे पास पीटी आ जाएगा। एंड नाउ अप्लाइंग डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ अगर हमने पहले तो राउल्ट लॉ लगा दिया, अब डाल्टन लॉ हमारे पास क्या होता है, डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ दोनों लगेगा, राउल्ट्स लॉ देखना कैसे लगेगा, राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू पीबी नॉट, ये तो पहले मैं राउल्ट्स लॉ लगा रहा हूँ, पीबी नॉट एक्स बी बराबर वाई बी, वाई बी इज वॉट, वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पीटी।
ये वेपर में है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, और ये लिक्विड में, लिक्विड में लगता है राउल्ट्स लॉ और यहां लगता है डाल्टन्स लॉ। तो पीबी नॉट हमसे, हमें कितना दिया है, पीबी नॉट 100 दे रखा है, ये 1/3 हमें पता है, वाई भी हमें निकालना है, और पीटी हमारे पास अभी अभी आया 200/3, 3 से 3 गया, 2 0 गए, 1/2 हमारे पास आ जाएगा, यानी वाई बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/2, यही आ रहा है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। हाउ डज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द सर्फेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो एक्चुअली क्या होता है, सर्फेस टेंशन में हमारे पास क्या होता है, जितना मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें अट्रैक्शन होगा उतना ही सर्फेस पे उनकी टेंडेंसी होगी पास पास आने की। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, व्हाट इफ टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है डिक्रीज हो जाएगा, तो इससे हमारे पास सरफेस टेंशन जो है मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पानी की सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है, हाँ मेटल में मरकरी की उससे ज्यादा होती है, पर हमारे पास जो वाटर है वो सबको डिजोल्व करता है, यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट है, दैट्स व्हाई हम वाटर को जनरली ऑब्जर्व करते हैं सरफेस टेंशन के केस में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अट्रैक्शन हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, इसलिए सरफेस टेंशन भी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स विल गो फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आइसोटोनिक। जैसे ही शब्द मैं सुनता हूँ आइसोटोनिक, मैं समझ जाता हूँ π1 = π2, तो अब 0.003 mg Al2SO4 होल थ्राइस सॉल्यूशन और एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए आई क्या होगा, 1। देखते ही हमें समझ में आ गया कि हमें π1 = π2 करना है, पाई बराबर होता है आई सी इज कंसेंट्रेशन आर टी, आई सी आर टी हमें पता आर टी सेम होगा, कुछ नहीं दिया टेम्परेचर के बारे में, तो हम मानते हैं कि सेम होगा। आई की वैल्यू फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए हमारे पास क्या होगा, 1 - α + nα, एसोसिएशन में क्या होगा, α/n, ठीक है, कंसेंट्रेशन यहां लिख देंगे ग्लूकोज के लिए, तो आई 1 होगा इंटू कंसेंट्रेशन। नाउ हम लोग अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये कह रहा है कि यार परसेंटेज डिसोसिएशन निकालो, 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। एन कैसे निकालते हैं वापस से सुन लो, एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने में टूटा, 3 और 2 5, एन की वैल्यू 5 5 अल्फा, कंसेंट्रेशन हमारे पास कितनी हुई 0.003, और ये 1 × 0.01, 0.01 से 0.03 गया तो 0.03 गया तो 0.3 बचा, 0.3 × 1 0.3, ये 4 अल्फा है, 4 × 0.3, 4 3 = 12, 1.2 α = 1, तो हमारे पास अल्फा कितना आ जाएगा, 0.7/1.2, यानी 50%, 0.6 मान ले, तो अप्रोक्स हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 58.33। तो अप्रोक्सीमेशन से हमने आंसर निकाल लिया जब आइसोटोनिक सोल्यूशन है। Which of the following solutions can have boiling point less than that of both of the individual components? तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास boiling point जो है कम होना चाहिए, यानी minimum boiling azeotrope, यानी vapor pressure ज्यादा आना चाहिए, vapor मतलब हमारे पास solution में boiling point कम करना है, boiling point कम करना है, यानी boiling point कम तो vapor pressure हमारे पास क्या होगा, ज्यादा। अगर हमें वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो हम अल्कोहल एंड वाटर को मिलाएंगे, तो हमें क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर कम चाहिए तो वेपर प्रेशर मस्ट बी मोर, यानी वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, C2H5OH + H2O विल बी द करेक्ट आंसर, एल्कोहल प्लस वाटर विल गिव द पॉजिटिव डेविएशन, गेटिंग माई पॉइंट, ये तो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बना देगा। या हमें सब पता है इनऑर्गेनिक एसिड हमारे पास क्या बोलेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो कंफ्यूज मत होना, लेस बॉइलिंग पॉइंट पे कंफ्यूज मत होना, हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है, वेपर प्रेशर, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट कम। 0.2 molar सॉल्यूशन ईच ऑफ ग्लूकोज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट इज टेकन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी। तो याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन। तो सोल्यूशन हमारे पास दिया है, कुछ नहीं बोला जाता, तो हम क्या बोलते हैं, वॉटर के साथ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन उतना ज्यादा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कब होगा? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब सुना, ज्यादा पार्टिकल डाले, ज्यादा पार्टिकल किसमें डाले? एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा, ज्यादा पार्टिकल अगर हमने डाले तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। हमसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, तो थर्ड, थर्ड का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी, यानी जितना ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका? थर्ड का, उससे ज्यादा सेकंड का, उससे ज्यादा इसका, फर्स्ट का। गेटिंग माय पॉइंट? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान नहीं रहता इस तरह का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज करेक्ट? केबी। अब केबी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। केबी का फॉर्मूला हमने एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट में हमने क्या देखा? आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट देखना, ये सब हमारे पास सॉल्वेंट है, दीज आर सॉल्वेंट। ये हमें क्या दिए हैं? सॉल्वेंट्स दिए हैं सारे, सॉल्वेंट्स। अब हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सॉल्वेंट की होगी, तो आर टी बी स्क्वायर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है डेल्टा एच अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो मुझे क्लियर हो गया कि जिसका मोलर मास, मोलर मास सॉल्वेंट जिसका ज्यादा उसका केबी भी ज्यादा। मोलर मास किस सॉल्वेंट का सबसे ज्यादा है? देखो क्लोरीन 71 होता है, तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है 4 क्लोरीन है, इससे ज्यादा तो हमारे पास किसी का ऑब्जर्वेशन नहीं दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सबसे ज्यादा जिसका मोलर मास उसका केबी ज्यादा। डायरेक्ट हमने क्वेश्चन को कम टाइम में कर दिया, तो मोलर मास सॉल्वेंट जिसका ज्यादा होगा उसका केबी ज्यादा होगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल बट इंपॉर्टेंट। तो एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे नहीं करता। गेटिंग माय पॉइंट? यानी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ये भी एक कॉपी में लिखने वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वॉटर, गैस को पानी में डाला तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस किसकी? ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो डिसॉल्व थोड़ी होंगे। अ मोर पोलर गैस विल हैव मोर सॉल्युबिलिटी, लेसर नहीं, मोर सॉल्युबिलिटी। ज्यादा पोलर होगा पानी से रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रेट बना लेगा। पोलर जो है वो हाइड्रेट बना लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? याद रखना, हेनरी लॉ नहीं लगता, जो मोर सॉल्युबल गैस होती है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल गैस पे हेनरी लॉ नहीं लगता। कोई मुझसे कहे HCl पे हेनरी लॉ लगेगा? नहीं लगेगा। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन कर देगा। हाइड्रेट फॉर्मेशन का मतलब है अगर मैंने HCl को डाला तो H+ के आसपास हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे? क्लिंग कर जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लिंग कर जाएंगे, यानी आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट फॉर्मेशन। दिस इज द हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन का मतलब है ये हमारे पास कहानी। क्लियर है? तो हाइड्रेट फॉर्मेशन हमारे पास हुआ। गैसेस विल बी मोर सॉल्युबल व्हेन डिसॉल्व एट हायर प्रेशर। बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व होगी। अगला क्या बोला? डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक। नहीं भाई, जब पानी में गैस डिसॉल्व होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ऑलवेज तो नहीं कह सकते। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर इज Ab3 एंड सुक्रोज सॉल्यूशन। देखो, एक तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बोल रहा है, उसे बोलना चाहिए वैसे तो आयनिक कंपाउंड है, पर अंडरस्टूड, एक सुक्रोज सॉल्यूशन है, ये पानी में जाके डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा। विद 0.1 m कंसंट्रेशन ईच, दोनों की कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.1। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Ab3 एंड सुक्रोज सॉल्यूशन, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग दिए,
एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, द फ्रैक्शन ऑफ ए बी थ्री डिसोसिएटेड विल बी, यानी हमसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है कितना डिसोसिएशन हुआ ए बी थ्री का। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया, देखो बड़ा सिंपल है, हम सबसे पहले हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगा देंगे पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। हमारे पास दूसरे के लिए भी यही लग जाएगा पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। मैं हमेशा ये याद रखता हूं कि अगर कंपैरिजन बोला है एक से दूसरे का तो हम रेशियो ले लेते हैं। अब दोनों में ही कॉन्सेंट्रेशन सेम है, आर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम है, ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो कंसेंट्रेशन 0.1 है, कैंसिल हो गया। टेम्परेचर दोनों में सेम है, यहाँ पे हमें सामने दिया हुआ है टेम्परेचर दोनों में सेम है, तो हमारे पास पाई वन बराबर पाई टू इज इक्वल्स टू आई वन अपॉन आई टू। तो पाई पहले हमारे पास किसका दिया है, ए बी थ्री का, पाई कितना दिया है ए बी थ्री का 0.72। सिमिलरली हमारे पास इसका पाई कितना दिया है 0.24 हमें दिया है। आई बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वन वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और हमें पता होना चाहिए सुक्रोज के लिए हम आई वन लेंगे, ये पानी में ना एसोसिएट होगा और ना ही डिसोसिएट होगा, तो अगर हम डेसिमल हटा देंगे, और हमसे क्या बोल रहा है कि अल्फा कितना होगा इसका अल्फा निकालो। अब ए बी थ्री के लिए एन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ए बी थ्री के लिए अगर मैं एन निकालना चाहूं तो ए बी थ्री विल डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू दिस, ए पे प्लस थ्री आ जाएगा, बी पे माइनस वन आ जाएगा, कितने बी हैं, तीन बी हैं, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, देयरफोर एन बराबर वन प्लस थ्री अपॉन वन दैट इज फोर, एन की वैल्यू फोर आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास हमने क्या निकाला था 0.72 अपॉन 0.24, सो 0.72 डिवाइडेड बाय 0.24 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 72 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फा। 3 अल्फा को इधर ले आए तो 1 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 1। गेटिंग माय पॉइंट, तो हम सॉल्व करते हैं 3 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 24, 72 में से 24 गया, 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, 48 डिवाइडेड बाय 24, और सॉल्व करेंगे तो अल्फा हमारे पास आएगा 24 टू जा 48, ये 2 ऊपर आया और ये 3 नीचे आ गया, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 2/3 यानी 0.67। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 0.67। तो हमें कंपैरिजन करना आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन में करें। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बार बार मैं इसको इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते क्या है, सबसे पहले तो एक बात समझो, और व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी आइडिया ले लो। हमारे पास मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर हमने लिया, लेट अस से दिस इज द कंटेनर, इस कंटेनर में हमने लिक्विड ले लिया, इस कंटेनर में जब हमने लिक्विड लिया इसके वेपर्स बने, कंटेनर में लिक्विड्स के वेपर बने, ठीक है, तो कंटेनर में वेपराइजेशन हुआ। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम अगर मैं मोल फ्रैक्शन देखूं तो यहां का मैं कलर चेंज करता हूं, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहां का मोल फ्रैक्शन और यहां का मोल फ्रैक्शन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए सेम रहेगा। यहां का मोल फ्रैक्शन अगर एक्स ए एन एक्स बी है तो ऊपर का मोल फ्रैक्शन भी एक्स ए एन एक्स बी रहेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए। अब हमने क्या किया, अगर हमसे कोई कह रहा है कि यार इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, तो हम कहते हैं यार इसको दूसरे कंटेनर में ठंडा करें। जब इसको दूसरे कंटेनर में हमने इसे ठंडा किया, दूसरे कंटेनर में इसे ठंडा किया, तो ठंडा करने के बाद वापस से जब ये लिक्विड बनेगा तो यहां पे और यहां पे हमारे पास फ्रैक्शन सेम रहेगा एक्स ए एंड एक्स बी, और यहां पे भी फ्रैक्शन क्या रहेगा, इसका फ्रैक्शन यहां पे भी एक्स ए एंड एक्स बी रहेगा, यानी इसका मूल फ्रैक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, यहां से अगर ए ज्यादा वेपराइज होता, ए का फ्रैक्शन बढ़ जाता तो ठंडा करते, फिर ए का फ्रैक्शन बढ़ा देते तो हम धीरे धीरे ए का फ्रैक्शन बढ़ा पाते, पर यहां पे हमारे पास ए और बी का फ्रैक्शन हमारे पास क्या है
कांस्टेंट, अगर ए और बी का फ्रैक्शन कांस्टेंट है तो हमारे पास इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू प्यूरिफाई नहीं कर सकते. कैन बी फ्रैक्शनल डिस्टिल, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनली डिस्टिल, डिस्टिल नहीं कर यानी अलग अलग नहीं कर सकते, तो गलत हो गया. बी हमारे पास हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ये सही है, सही हो सकता है. तो बॉइलिंग पॉइंट इनका कांस्टेंट होता है क्योंकि टाइम के साथ मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है लिक्विड का, टाइम के साथ मोल फ्रैक्शन लिक्विड का सेम है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहते हैं. हैव सेम डेफिनेट कंपोजिशन एट एनी प्रेशर, नो. इट इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर चेंज करने पर, ऑन चेंजिंग द प्रेशर, ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो कंपोजिशन विल चेंज. कंपोजिशन ये लिख लेना, पहले ही बोला मैंने, कंपोजिशन विल चेंज. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, तो ये भी गलत है. दोज विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, नो, सेम कंपोजिशन, ये पॉइंट भी गलत है. आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ हेनरी इज कॉन्स्टेंट. हेनरी कॉन्स्टेंट हमारे पास ये और ये वैल्यू दे रखा है. देखो मुझे हेनरीज लॉ के हिसाब से याद है, वैसे तो हेनरी लॉ अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पी बराबर, सबसे फेमस इक्वेशन जो हेनरी लॉ की ये है. यहाँ पे हम कई बार मोल फ्रैक्शन की जगह वजन भी ले लेते हैं, पर ठीक है. अब के की यूनिट जो होगी वो पी की यूनिट के बराबर होगी. हमें पता होना चाहिए इफ इफ के एच बढ़ाएंगे, के एच बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी हमारे पास कम हो जाती थी. हमें ये भी याद होना चाहिए एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीज, हमारे पास के एच भी बढ़ जाता है. के एच इंक्रीजेज, इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. देखो सो टेम्परेचर बढ़ाने पे, यहां यूं लिखता हूं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी जो है बिलिटी घट जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में मूव करेंगे एंड सॉल्युबिलिटी घट जाएगी. तो केएच बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है, तो जिसका केएच सबसे ज्यादा ये, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो सबसे कम सॉल्युबल कौन है, ए. ए बी आंसर हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट. द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर्स ओवर सॉल्यूशन फेज ऑन मिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, दिस इज न्यू टर्म फॉर यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. What do you mean by immiscible liquids? जो एक दूसरे में dissolve ना हो, soluble ना हो. तो हमारे पास देखो क्या होता है, वैसे तो almost liquid जो है एक दूसरे में घुल जाते हैं, पर example है कुछ, water और mercury ले ले, या water plus carbon disulfide ले ले, ठीक है, carbon disulfide ले ले. तो हमारे पास जो कुछ है ये हमारे पास immiscible रहते हैं, ये आपस में dissolve नहीं होते. अब इसका फायदा क्या होता है, देखो अगर हमने दो liquids को mix किया, इसका फायदा बड़ा important है. एक लेयर, फर्स्ट लेयर ये दी, दोनों मिक्स नहीं हुए तो दोनों की अलग अलग लेयर बनी हुई है, इसकी लेयर यू कह देता हूं, ये दो अलग अलग लेयर है. अब होगा क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, यहां वेपर्स बने, वेपर्स जो है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, नीचे एक जना ऊपर भेज रहा है, दो जने ऊपर भेज रहे हैं. अब टोटल वेपर प्रेशर जो है पी टोटल हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो देखो ध्यान से सुनना, पीटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. मान लो एक ए है, इनमें एक ए है और एक बी है, दो हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स हैं, दोनों इमिसिबल लिक्विड्स को हमने घोल दिया, दोनों को घोल दिया, पर घुलते नहीं आपस में, दो अलग अलग लेयर्स हैं. पर टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी हम लगाते हैं, हाँ या ना. तो ए का वेपर प्रेशर लिक्विड में, यानी ए का पार्शियल प्रेशर भी बोल सकता हूं, बी का पार्शियल प्रेशर हमने जोड़ दिया. अच्छा राउल्ट्स लॉ में क्या कहता था, Pt बराबर Pa नॉट Xa प्लस Pb नॉट Xb. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां पे Xa, सिर्फ Xa इस लेयर में Xa वन हो, यहां पे सिर्फ Xb है Xb वन होगा. बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो तो Xa वन Xb वन, तो Pt कितना आ जाएगा, P
पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी टोटल वेपर प्रेशर जो है वो प्योर के वेपर प्रेशर के सम के बराबर है, यानी वेपर प्रेशर ड्रास्टिकली बढ़ गया। तो हमारे पास क्या हुआ, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट, यानी ए का प्योर ए का वेपर प्रेशर और प्योर बी का वेपर प्रेशर जोड़ लो तो वेपर्स बढ़ गए, अनवॉन्टेडली वेपर्स बढ़ गए। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा यानी वेपर्स बहुत सारे हो गए, वेपर्स बढ़ गए। दो लेयर थी हमें याद है, यहाँ पे दो लेयर थी और हमने कहा ये एक लेयर है और दूसरी ये लेयर है, तो दोनों लेयर के कारण हमारे पास जो वेपर प्रेशर है बढ़ गया, वेपर प्रेशर ए प्लस बी का। अब सुनना, एस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कोई ऐसा सॉल्वेंट हो या कोई ऐसा इमिसिबल लिक्विड हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, मान लो 170 पे हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड या 140 पे कार्बन डाइसल्फाइड हमारे पास बॉइल होता है। अब 140 पे होता है पानी एक, मान लो पानी हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, यानी अगर मैं चाहूं दो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और उसको मेरे को डिस्टिल करना है तो डिस्टिलेशन कम टेम्परेचर पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियली बॉइलिंग पॉइंट हमने डिक्रीज कर दिया, यानी क्योंकि वेपर प्रेशर जो था ए नॉट पी ए नॉट और पी बी नॉट यानी दोनों के वेपर प्रेशर के बराबर पी टी था, यानी वेपर प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट गया और बॉइलिंग पॉइंट घट गया आर्टिफिशियली, यानी आर्टिफिशियली आपने बॉइलिंग पॉइंट कम कर दिया, यानी कम एनर्जी दे के आप इसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो PV equal to NRT अगर हम लगाएं तो PA या PA not भी कह सकते हैं, PA की जगह PA not upon PB not, PA भी कह सकते हो, PA PA not के बराबर है क्योंकि XA क्या है 1 is equals to AK moles upon BK moles। तो अगर मुझसे कोई फॉर्मूला मांगे PA not upon PB not वो moles के रेशियो के बराबर है प्योर, NA की जगह कई बार वेट अपॉन मोलर मास ऑफ A अपॉन वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वेट का रेशियो निकाल सकते हैं। कोई कह दे यार मुझे वेट का रेशियो बताओ, तो वेट का रेशियो हम निकाल सकते हैं कैसे, मोलर मास ऊपर चला जाएगा, मोलर मास ऑफ ए इंटू पी ए नॉट और मोलर मास ऑफ बी इंटू पी बी नॉट। इतना डिटेल में नहीं जाना है वैसे, पर हमें ये याद रखना है कि पी ए नॉट और PB नॉट का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर रहेगा फॉर इमिसिबल लिक्विड्स, यानी इमिसिबल लिक्विड्स का जो रेशियो है मोल के रेशियो के बराबर होगा। गेटिंग माय पॉइंट, तो हमें ये याद होना चाहिए। तो वेट का रेशियो के बराबर नहीं होगा प्रेशर का, देख लो वेट का रेशियो अलग आया, प्रेशर के रेशियो के मल्टीपल में क्या आया, मोलर मास आया, तो बी ऑप्शन तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, आप मोशन के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि अगर कोई और नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको याद रहे। थैंक यू वेरी मच।